दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छे होंगे। और अच्छा, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ट्रैक्टर आँकते हुए। मैं थोड़ा लेट हो गया था घर से, तो मैं आया हूँ अब तो। पहले से यहाँ पे हमारे घर वाले आ चुके थे ट्रैक्टर के साथ में, और देख लीजिए मैं यहाँ पे साथ में रहूँगा और ट्रैक्टर चलाएंगे अपन। तो देखते हैं किस तरह से हाँकते हैं ट्रैक्टर को अंदर, खेत के अंदर। चलिए लेट्स गो। Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, shake it to the right. All my ladies and my mans, and all my ladies, all my ladies and my mans. तो दोस्तों ये महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर है, और इसके साथ में जो है पंजा नहीं है, यहाँ पे हत्ता लेके आए हैं ये भाई साहब। बहुत ही अच्छा हत्ता है और अच्छा चल रहा है। वैसे इतना सारा हाँक दिया है, बहुत सारा 40 मिनट के समथिंग हो चुके थे जब हमने ब्रेक के बाद आफ्टर टू ब्रेक के बाद जब तेल खुट गया था तो ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा, क्योंकि वो गाँव से लेकर आ रहे थे तेल दूसरे भाई साहब। तो जस्टली हमने वेट किया थोड़ा, उसके बाद हम लोगों ने फिर स्टार्ट कर दिया यहाँ पर ट्रैक्टर चलाना। तो ये महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर है, और अभी तक इस खेत के अंदर बहुत सारे ट्रैक्टर हमने हकवाए हैं, जुतवाए हैं, लेकिन उस टाइम पर इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि हम आप इस तरह से कैमरे में कैद करके आपको दिखा सकते थे। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम आपको दिखा सकते हैं इस तरह से कैप्चर करके। तो देख लीजिए ये महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर है, और ये आत्माराम जी हाँक रहे हैं। यहाँ पर अच्छे ड्राइवर हैं, पिछली बार भी कई ट्रैक्टर से इन्होंने हाँका है, स्वराज और फोर्ड और सोनालिका और पता है डिफरेंट टाइप के बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर, तो इन्होंने हाँका है यहाँ पर। और अब ये लेटेस्ट लेके आए हैं महिंद्रा ट्रैक्टर, तो महिंद्रा ट्रैक्टर हाँक रहे हैं यहाँ पर। इसकी आवाज़ थोड़ी अलग टाइप की होती है। सबसे बेस्ट आवाज़ जो पहले होती थी वो होती थी फोर्ड कंपनी की होती थी, जो फोर्ड ट्रैक्टर होता था बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर होता था, वो USA का ट्रैक्टर है। और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो ट्रैक्टर बनाती है, लेकिन ये जो महिंद्रा कंपनी ये भी अच्छी कंपनी है वैसे, आवाज़ इसकी भी बढ़िया है। तो देख लीजिए आपको दिखा रहे हैं हम लोग कि यहाँ किस तरह से ट्रैक्टर हाँका जा रहा है, क्योंकि अब बारिश की फसल ले चुके हैं, रबी की तैयारी है, खरीफ की फसलें हम ले चुके हैं और रबी की तैयारी कर रहे हैं। तो उससे पहले जुताया जाता है खेत के अंदर, तो अच्छी गहरी जुताई हो जाती है तो बहुत फसल अच्छी होती है। तो उससे क्या होता है कि उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो शुरू से ही अगर हम पंजे के बजाय अगर हत्ता यूज़ करते हैं, और हत्ते से पहली बार में जब हत्ता हाँकते हैं तो अच्छे से गहराई तक चला जाता है वो। तो थोड़ा गीला ज़रूर है क्योंकि बारिश हो गई थी, तो इतना ज़्यादा सूखा हुआ नहीं है, गीला है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं ये भाई साहब अच्छा लगाने की। लेकिन ये जो बोकना बोकनी जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि ये बहुत सख्त हो चुके हैं, वो ज़्यादा फैल चुके हैं, तो इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, अपना जाल फैला रखा है नेटवर्क। तो इसको भी कंट्रोल में कर लेंगे ये ब्रेक दे दे के पीछे की तरफ डाउन अप कर करके, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या कि कुआं आ गया है तो इसलिए थोड़ा सा गीला ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से कन्वेंस करके जो है करने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है व्लॉग, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें कि इस तरह के व्लॉग है, देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत, और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह के व्लॉग मैं बनाता रहता हूँ एग्रीकल्चर से संबंध रिलेटेड, वो भी मेरे दूसरे तरह के व्लॉग भी आते हैं, लेकिन विशेष तौर से मैं जब कुएं पे जाता हूँ, खेत पे जाता हूँ और एग्रीकल्चर का कार्य देखता हूँ तो मैं बिल्कुल रहता नहीं हूँ और शूट कर लेता हूँ वीडियो और दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आप भी देखिए और अपने कार्य को और अच्छे ढंग से कीजिए ताकि आप भी अपना उत्पादन बढ़ा सके। तो देख लीजिए कल्टीवेटर बहुत ही अच्छा लग रहा है गहराई में, थोड़ा गीला ज़रूर है लेकिन लग रहा है फिर भी, क्योंकि यहाँ पर ये धूप ज़्यादा हो गई तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा वरना ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसलिए थोड़े तूतड़े ज़रूर अड़ज रहे हैं अंदर, लेकिन उसको निकालता जा रहा हूँ मैं, पास में रहता हूँ तो इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने देता हूँ। जैसे ये मुझे बोलते हैं कि निकालना है तो मैं निकाल देता हूँ अंदर से और साफ़ कर देता हूँ हत्ते को, ताकि वो जो फिर से ठीक से वैसा का वैसा ही जोतने लग जाए नीचे की तरफ, ताकि उससे क्या होगा कि गहराई तक लगेगा तो अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी ज़मीन के अंदर जो गहराई तक जुताई हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि पानी जो है अंदर तक जाएगा और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना वो पूरी नीचे की तरफ जड़ों तक जाएगी, तो फसल में का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो पहले आप हत्ता ज़रूर निकालें ट्रैक्टर से, पंजा बिल्कुल ना निकालें, ताकि उससे क्या होगा कि पूरी तरह से जो है 4-5 इंच की ज़मीन अंदर से जो खुल जाएगी, वो पूरी तरह से साल भर के लिए आपका पौधा जो होगा ऑक्सीजन पूरी तरह से ले पाएगा और पानी भी बहुत गहराई तक जाएगा, तो उसकी जड़ें बिल्कुल ढीलेपन में बहुत अच्छे से जाएगी और आपका जो पौधा है वो अच्छे से विकसित होगा और आपको फसल का बहुत अच्छा फायदा होगा दोस्तों। तो ये महिंद्रा ट्रैक्टर है जो मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा ट्रैक्टर है, चल रहा है, इस पहिए देख लीजिए बच्चे कांगरे हैं और ठीक है वैसे, लेकिन अभी इसको हाँकने के लिए लेके आए हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये मैं दिखा रहा हूँ व्लॉग शूट करके, ये बगीचा है, गार्डन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है कहीं व्लॉग शूट कर करके इसके। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसको साफ कर रहे हैं, अंदर की तरफ चला रहे हैं ताकि ये जो है जल्दी से सूख जाएगा, और फिर डबल बार जब 1-2 दिन में अच्छा भुरभुरा हो जाएगा तो फिर
जो इसके बाद चाहे आप पंजा निकाल सकते हैं, लेकिन जब बिगिनिंग टाइम होता है, प्रारंभिक टाइम होता है, फर्स्ट टाइम होता है, उसमें आपको ज़रूर हत्ता निकालना चाहिए, जिससे कि आपको जो है गहराई तक जुताई हो जाती है। उसके बाद जो क्या होता है कि पंजा जब नेक्स्ट बार में लगाते हैं एक दो दिन बाद में, तो इस तरह से बिल्कुल एक घी की तरह बिखर जाता है गारा, और बिल्कुल जैसे बाटी का चूरमा होता है ना ऐसे बिखर जाता है, और जैसे हम पानी डालते हैं तो एकदम घी डाल देना बाटी के चूरमे में ऐसा बन जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और देख लीजिए ये घुमा लिया इन्होंने पलटा के यहाँ से ट्रैक्टर, तो मैं कैप्चर करते हुए थक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैप्चर करना है, दिखाना है, क्योंकि हाँक रहे हैं तो फिर ये चले जाएंगे तो फिर क्या कैप्चर कर पाएंगे। तो ये मतलब सिचुएशन है, दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी धूप ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने डाउन अप कर करके अच्छे से राउस कर लिया है, और ठीक है वैसे करीब चला रहे हैं, पास पास में मैं कह रहा हूँ इनसे थोड़ा करीब आने दीजिए बगीचे के बिल्कुल समीप, ताकि, लेकिन इनको पता है कि संतरे आ गए हैं तो टूटेंगे, इसलिए थोड़ा उनके हिसाब से ही हाँक रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर जो होते हैं वो समझते हैं कि नुकसान हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा वो ध्यान रखते हैं, बिल्कुल सही तरीके से हाँक रहे हैं। तो यही तरीका था हाँकने का, तो देख लीजिए दिखा रहा हूँ मैं आपको बगीचे के अंदर। ये आप भी यदि इस तरह से हाँकते हैं तो व्लॉग बना देख लीजिए कि आपको भी हाँकना है ट्रैक्टर, और पीछे जब आप इसके गाले निकालते हैं तो बिल्कुल ग्लव्स पहन ले हाथों में, या फिर कुछ ऐसा डंडा रखे जिससे निकालें, क्योंकि यहाँ पर जानवर भी हो सकते हैं नीचे की तरफ, तो छोटे मोटे जानवर आपके पैरों में आ सकते हैं, आपके कपड़े में घुस सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के चलें, इतने पास पास भी नहीं चलें ताकि आपके जानवर आपको नुकसान पहुंचा सके। तो इस तरह से थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस जो है वो अपने दिमाग में रख के चलेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें कोई भी काम की बात हो सकती है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि यदि आप भी इस तरह के एग्रीकल्चर के कार्य करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, और आप भी इस तरह के डेलीगेशंस यूज़ करके, जानकारी यूज़ करके आप अपने को अप्लाई कर सकते हैं, और अपने खेत के अंदर अपने अच्छी जुताई कर सकते हैं खेत की, और उसमें जो फसल उगाते हैं तो ये सारी की सारी रबी की फसल की तैयारी हो रही है। देख लीजिए दोस्त को मैंने कहा कि मैं ठीक चला रहे हैं वैसे ट्रैक्टर, तो मैंने अपना चेहरा भी दिखाने की कोशिश की थोड़ा सा कैप्चर करके बैक साइड से लेकर के, कि नहीं मैं सिर्फ इन्हीं को दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा मैंने अपने आप को भी दिखा दिया इनके साथ। देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इस व्लॉग में उन्हीं को दिखाया है ट्रैक्टर, और सिर्फ ड्राइवर को और बगीचा और खेत को मुझे नहीं दिखाया था, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे भी दिखाना चाहिए, ताकि दोस्तों को अच्छा लगेगा कि हाँ इनका भी चेहरा दिख रहा है। और देख लीजिए मैं बिल्कुल पास पास चल रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आप ना चलें, क्योंकि इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी के बाद चल पाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो हो सकता है गिर जाएं, और लोहे का जो पंजा और हत्ता होता है उस पर गिर जाएंगे और लग जाएगी आपके, तो प्लीज़ और प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके बाद इस तरह के व्लॉग शूट कर पाते हैं, वरना हो सकता है आपको लग जाएगी कुछ पैर के अंदर, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और आप बिल्कुल आनंद ले वीडियो का, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और पास में दिख रहा है बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूले, ताकि अगला नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाएगा, और मेरा वीडियो जो है जब भी मैं अपलोड करूँगा लेटेस्ट वर्जन कि हाँ अब नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको अन्यंत्र कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आप अपने जो मोबाइल के ऊपर की साइड में फ्रंट साइड में ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत जो है आपको वीडियो चालू हो जाएगा, और आप वीडियो को जो है मज़ेदार देख पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह का व्लॉग ये ट्रैक्टर चलाते हुए हमने आपको दिखाया कैप्चर करके, तो आपको बेशक अच्छा ही लगा होगा बिल्कुल निश्चित रूप से। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, अच्छे रहिए, और अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, धन्यवाद, देखते रहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये व्लॉग, अच्छा लगा हो लाइक कर दे दोस्तों में, शेयर करें, जाइए नहीं अभी, अभी पिक्चर बाकी है अगले वीडियो की, तो बिल्कुल अगला वीडियो देखिए, और चैनल की लिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो देखिए। थैंक्स, धन्यवाद, देखते रहिए। मुझ में तू, तू ही तू बसा।